आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको दबाने से मेरी रेसिपी आप सबसे पहले देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान कुक बुक। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन हॉट एंड सावर सूप। सर्दियों के दिन हैं और गर्मा गर्म सूप हो तो क्या ही बात हो। ओके व्यूवर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चिकन बोनलेस, मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे, तकरीबन ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ओके व्यूवर्स, तो मैं करूँगी इसको सबसे पहले मैरिनेट चिकन को। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब कॉर्न फ्लावर, और इसके साथ ये मेरे पास है वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें चले जाएंगे। ये मेरे पास है सोया सॉस, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये मेरे पास है राइस विनीगर, अगर आपको राइस विनीगर ना मिले तो आप सिंपल पानी को यूज़ कर लें। अब मैं करूँगी चिकन को अच्छे से मैरिनेट। हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो गया है, इसको मैं साइड पे रखूँगी। ओके, तो ये मेरे पास है वेजिटेबल, इसमें मेरे पास है जिंजर, मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ग्रेटेड जिंजर लूँगी। ये गार्निश के लिए ग्रीन अनियन यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास है एक बाम्बू शूट्स, इसको भी हम लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लेंगे। और ये मेरे पास 1/4 कप है कटी हुई लंबी लंबी गाजरें। ओके व्यूअर्स, तो मेरे पास है शिचाकी मशरूम, ये फ्रेश वन है। और अगर आपको ये ना मिले, वैसे तो ये एशियन मार्केट से या चाइनीज़ मार्केट से आराम से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको ये मशरूम ना मिले तो आप रेगुलर मशरूम भी ले लें। ये मैं पहले जिंजर को ग्रेट कर लेती हूँ इसके साथ। जिंजर हमारे पास हो गया 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के करीब। ओके, तो मुझे तकरीबन 4 औंस के करीब चाहिए ये, तो मैं इतना सा इनफ है सूप के लिए। ये हो गया बाम्बू शूट्स, और मेरे पास है ग्रेटेड जिंजर, फ्रेश जिंजर, और इसके साथ कैरेट भी रेडी है। व्यूअर्स, तो वेजिटेबल हो गई है रेडी। व्यूअर्स, तो मैं बना रही हूँ सॉस चिकन हॉट एंड सावर सूप के लिए। उसके लिए मैंने लिया है सोया सॉस 1/4 कप, वाइट विनीगर ये भी 1/4 कप है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून शुगर, और इसके साथ मेरे पास है 3 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस जो है वो इसको आप अलग अलग भी सूप के अंदर डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बना के रख लें, क्योंकि जब चिकन स्टॉक बॉयल हो रहा होता है तो फिर अलग अलग चीज़ें डालने में थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए सॉस इकट्ठी बना के रख लें, ताकि जब आप सूप रेडी कर रहे हो तो एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी उस सूप के अंदर चली जाएँ। तो ये सॉस हो गई रेडी, इसको मैं कर रही हूँ साइड पे। मेरे पास है 2 अंडे, और मैं अंडों को अच्छे से बीट कर लूंगी। ये है मेरे पास टोफू, ये लाइट फॉर्म में है, तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसको काटते हुए भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये टूट ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये टूट गया है इसमें से। तो मैं उसमें से एक जो है वो एक पार्ट इसका लूंगी, और इसको मैं नाइसली स्लाइसेस में कट कर लूंगी।
सो व्यूअर्स, टोफू मैंने काट दिया है। अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑन और उसमें रखेंगे एक बड़े साइज का पैन। फ्लेम ऑन हो गया है, पैन भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 5 कप जो है चिकन स्टॉक। आप चिकन स्टॉक इजीली घर में बना सकते हैं, चिकन का जैसे यखनी बनती है उसी तरह ही आप चिकन स्टॉक घर में रेडी कर लें। और इसके अंदर मैं डालूंगी 5 कप जो है चिकन स्टॉक के। ओके व्यूअर्स, मैंने इसमें 5 कप जो है वो चिकन स्टॉक के ऐड कर दिए हैं और मैं इसे अब जो बॉयल होने दूंगी। ओके, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर। हाफ कप मैंने मशरूम डाले इसके अंदर और इसके साथ इसमें जाएंगे बाम्बू शूट्स। और साथ ही मैं डाल दूंगी कैरेट्स और वो जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था मैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसको 3 से 5 मिनट दूंगी ताकि ये थोड़ी देर पक जाए और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी सॉस। सो ये 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सॉस, जो हमने सॉस मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ओके, तो ये बॉयल होना शुरू हुआ हुआ है, ये पक रहा है, तो इसके अंदर मैंने जो अंडे फेंक के 2 रखे थे वो मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी डाल दूंगी। और अब लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी टोफू। टोफू को आप ध्यान से डालें ताकि वो ब्रेक ना हो जाए उसके स्लाइसेस। ये तकरीबन 1/2 कप मैंने टोफू लिया था तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। सो व्यूअर्स, वी ऑलमोस्ट डन विद हॉट एंड सावर सूप। फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो पे रखूंगी 2-3 मिनट और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो अभी देखें, ये बॉयल होना शुरू हो गया था तो 1-2 मिनट मैंने इसे पकने दिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और हमारा चिकन हॉट एंड सावर सूप बिल्कुल रेडी है। देखिए व्यूअर्स, कितना जबरदस्त हमारा चिकन हॉट एंड सावर सूप रेडी हुआ है। बहुत जबरदस्त है, बहुत मजे का है और गरमा गरम आप इसे खाइए, अपने बच्चों को और फैमिली को खिलाइए और एंजॉय कीजिए सर्दी के मौसम को।
Thanks for watching Khan Cookbook. See you next time with new video. And please don't forget to subscribe my channel. Also, please like and share my video. See you next time.